हे गाइस, वेलकम बैक टू द रोश। आज हम डिस्कस करेंगे सिखिज्म के 9th गुरु गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, जिन्होंने दूसरों के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर दी। इससे पहले हमने फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म एंड फाउंडर ऑफ सिखिज्म गुरु नानक देव जी के बारे में जाना था, जिन्होंने 28,000 किलोमीटर पैदल चल के अपनी लर्निंग को स्प्रेड किया, 5 उदासी पूरी करी। फिर हमने गुरु अंगद देव जी के बारे में डिस्कस किया, जिन्होंने गुरुमुखी की शुरुआत करी और लंगर शुरू किया। फिर हमने गुरु अमरदास जी के बारे में डिस्कस किया, जिन्होंने विडो रीमैरिज को बढ़ाया, विमेन को बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन दी, लंगर सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया और भेदभाव खत्म किया। अगर किसी को मिलना होता था तो पहले लंगर करो, सबके साथ मिलके फिर गुरुजी से मिलो। फिर हमने गुरु रामदास जी के बारे में डिस्कस किया, जिन्होंने अमृतसर सिटी को डिस्कवर करा था। फिर हमने डिस्कस किया गुरु अर्जन देव जी के बारे में, जिन्होंने हरमंदिर साहिब AKA गोल्डन टेंपल बनवाया, आदि ग्रंथ की स्थापना करी और हरमंदिर साहिब में इंस्टॉल किया। गुरु अर्जन देव जी सिखों के पहले गुरु थे जिन्हें शहीदी मिली थी। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को बुलाया और बंदी बनाया था और 5 दिन तक टॉर्चर किया था। फिर हमने डिस्कस किया गुरु हरगोबिंद जी के बारे में, जिन्होंने अपने पिताजी गुरुजी गुरु अर्जन देव जी की बात मानी और मिलिट्राइजेशन स्टार्ट करी। उन्होंने भक्ति के साथ साथ शक्ति का भी रास्ता चलाया और सेल्फ डिफेंस के लिए आर्मी बनाई और लोगों की मदद करी। 52 पैनल चोला सिलवाया, जिससे उन्होंने 52 राजाओं को जहांगीर की कैद से छुड़वाया। इनके बाद गुरु हर राय जी आए, उन्होंने पूरे सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया और सिखिज्म एक्सपेंड किया। फिर गुरु हर कृष्ण जी के बारे में डिस्कस किया, जो सिखिज्म के यंगेस्ट गुरु बने। 5 साल की उम्र में ही गद्दी प्राप्त हुई और छोटी ही उम्र में उन्होंने बहुत बड़े काम किए। लोगों को स्मॉल पॉक्स और कोलरा से बचाया, लेकिन उन्हें खुद भी स्मॉल पॉक्स हुआ। और जब उनसे पूछा गया कि अगला गुरु कौन होगा, तब उन्होंने 2 वर्ड्स बोले, बाबा बकाला। अब उस टाइम बकाला विलेज में गुरु तेग बहादुर जी थे। गुरु हरगोबिंद जी की 3 वाइफ थी, माता दामोदरी, माता नानकी, माता महादेवी। तो माता नानकी जी से हुए थे गुरु तेग बहादुर जी। आज हम गुरु तेग बहादुर जी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 11th अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी ने 116 पोएटिक हिम्स लिखे, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में है। गुरु हरगोबिंद जी गुरु तेग बहादुर जी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इनफैक्ट गुरु हरगोबिंद जी ने 4 बैटल्स लड़ी थी और उनमें से एक बैटल थी बैटल ऑफ करतारपुर, जिसमें गुरु तेग बहादुर जी भी लड़े थे। वैसे तो गुरु तेग बहादुर जी का असली नाम त्यागमल था। तेग बहादुर का मतलब होता है माइटी ऑफ द स्वॉर्ड। तो जब गुरु तेग बहादुर जी ने बैटल लड़ी, उसके बाद उनका नाम तेग बहादुर रखा गया। तो जब गुरु हरगोबिंद जी रिटायर हो गए थे, तब वह बकाला चले गए थे और वहां भी गुरु तेग बहादुर जी को साथ ले गए थे। तो गुरु हरगोबिंद जी से जब पूछा गया कि आप गुरु तेग बहादुर जी से इतना प्यार क्यों करते हैं, तब गुरु हरगोबिंद जी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के पास वो है जो किसी के पास नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी वो सब बर्दाश्त कर सकते हैं जो और कोई नहीं कर सकता। इनके पास वो सारी क्वालिटीज हैं जो किसी के पास नहीं है। ही हैड मैनी वर्च्यूज। बाद में गुरु तेग बहादुर जी की शादी 3 फेब 1633 में हुई थी माता गुजरी से। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी 1640 से लेके 1661 तक, मतलब 20 साल तक बकाला में ही रहते रहे अपने माता जी और वाइफ के साथ। गुरु तेग बहादुर जी मोस्टली मेडिटेशन ही करते थे, पर ऐसा नहीं है कि वे अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते थे। वे अपनी फैमिली के साथ भी बैठते थे और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाते थे। गुरु तेग बहादुर जी सच में मैन ऑफ मैनी वर्च्यूज थे। उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, उनको वेदों का ज्ञान था, उन्हें हर चीज मालूम थी कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। तो यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी ध्यान लगाते हैं। तो दूसरी साइड मुगलों का आतंक बढ़ रहा था। जब गुरु हरकृष्ण जी से पूछा गया कि अगले गुरु कौन होंगे, तो उन्होंने बाबा बकाला कहा। अब किसी को नहीं पता था कि बकाला विलेज में कौन है, तो सभी सिख अगले गुरु ढूंढने लगे। यहाँ पे एक वेल्दी सिख ट्रेडर मक्खन शाह का बहुत बड़ा रोल था। मक्खन शाह की शिप तूफान में फंस गई थी और उसने गुरु जी का नाम लिया और कहा कि अगर शिप पोर्ट तक सेफली पहुंच गई तो मैं 500 गोल्ड कॉइंस गुरु जी को दूंगा। मक्खन शाह की शिप सेफली पोर्ट तक पहुंच जाती है और वो बहुत खुश होता है। जब वो दिल्ली वाली साइड पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि गुरु हरकृष्ण जी नहीं रहे और उनका अगला सक्सेसर बकाला विलेज में है। मक्खन शाह बकाला विलेज में जाता है और वहां देखता है कि हर कोई गुरु जी कह रहा है अपने आप को। सभी वहां पे बहरूपिये थे, तो वह कंफ्यूज हो जाता है कि कौन है अगला गुरु। मक्खन शाह सभी गुरु को 2 गोल्ड कॉइन देने लग जाता है और वही गुरु मक्खन शाह को आशीर्वाद देते हैं। जब मक्खन शाह विलेज छोड़ के जाने लगता है, तो एक बच्चा आके कहता है कि एक होली मैन है जो अंडरग्राउंड मेडिटेशन कर रहे हैं। मक्खन शाह जब उन्हें 2 गोल्ड कॉइन देता है, तो गुरु तेग बहादुर जी बोलते हैं कि तुमने तो 500 गोल्ड कॉइन देने का वादा किया था। मक्खन शाह समझ आता है कि यही है अगले गुरु और वह छत पे चढ़कर चिल्लाने लगता है कि गुरुजी मिल गए। और ये देखते जो फॉल्स गुरु थे वो सभी भाग जाते हैं।
जब गुरु तेग बहादुर जी को गद्दी मिलती है उसके बाद उन्होंने बहुत सारी जर्नी स्टार्ट करी। सिखिज्म को एक्सपेंड करने के लिए पूरे इंडिया में घूमे, अमृतसर भी गए, हरमंदिर साहब भी गए, लेकिन वहाँ के मिनिस्टर्स ने दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने एक बार भी फोर्स एंट्री करने की कोशिश नहीं की, बैठे नहीं रहे, प्रोटेस्ट नहीं किया। गुरु तेग बहादुर जी ने वहाँ थोड़ी देर तक वेट जरूर करी कि दरवाजे खोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो शांति से चुपचाप किरतपुर की तरफ चले गए। आज उस जगह को थड़ा साहिब कहा जाता है, द पिलर ऑफ पेशेंस। उसके बाद 1665 में गुरु तेग बहादुर जी ने दुआगर रानी चंपा से 500 रुपीज में लैंड खरीदा। कीरतपुर साहिब से 6 किलोमीटर की दूरी पे थी ये जगह, और सतलुज नदी के किनारे एक नया शहर बसाया। उस शहर का नाम था चक नानकी, जिसे आज अनंतपुर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर जी जहाँ जाते थे पढ़ाते जाते थे, टीचिंग स्प्रेड करते थे। लेट 1665 से गुरु तेग बहादुर जी ने ईस्ट जर्नी स्टार्ट करी, जिसमे उन्होंने यूपी, बिहार, असम, बंगाल रीजन कवर किए। 1666 में गुरु तेग बहादुर जी बांग्लादेश चले गए और अपनी वाइफ और सिख संगत को पटना में छोड़ दिया, क्योंकि माता गुजरी जी ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती थी, और पटना में ही उन्होंने जन्म दिया गोविंद राय जी को। जब गुरु तेग बहादुर जी वापस पटना पहुंचे 1670 में, वह सभी पंजाब के लिए निकल गए, और यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। औरंगजेब बिल्कुल नहीं चाहता था कि सिखिज्म एक्सपेंड हो। जब औरंगजेब ने ताज पहना था उसने उसके बाद से ही जजिया स्टार्ट कर दिया था। जजिया था रिलीजियस टैक्स। अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम कोई भी इंसान जिसे तीरथ करने हैं तो उसको टैक्स देना होगा। औरंगजेब ने आइडल वर्शिप को रोक दिया था कि कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करेगा। औरंगजेब ने हिंदू टेंपल्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया। एक टेंपल को औरंगजेब ने मॉस्क में कन्वर्ट किया और अंदर ही गाय को स्लॉटर कर दिया। इसके साथ हिंदूज को जॉब पोस्ट से हटाकर मुस्लिम्स को भरने लग गया। औरंगजेब ने गुरुद्वारे डिस्ट्रॉय करने का भी ऑर्डर दिया। होली और दिवाली सेलिब्रेट करना भी बंद कर दिया। कश्मीरी पंडित पर औरंगजेब ने बहुत जुल्म उठाए। औरंगजेब कश्मीरी ब्राह्मण पंडित को उठा के फोर्सली कन्वर्ट करने लगा इस्लाम धर्म में। तो यहाँ कश्मीरी पंडित जाए तो जाए कहाँ, इसलिए वह गुरु तेग बहादुर जी के पास गए अनंतपुर साहिब में। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि औरंगजेब को जाके बोल दो, अगर मुझे इस्लाम में कन्वर्ट कर सकता है तो मैं खुशी खुशी कन्वर्ट हो जाऊंगा। ये सुन के औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली आने का बुलावा भेजा, और गुरु तेग बहादुर जी ने सही टाइम देख के अपने बेटे गोविंद राय जी को गद्दी दी और अगला गुरु बनाया। गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली के लिए निकल गए, और उनके साथ भाई सत्तीदास जी, भाई मत्तीदास जी, भाई दयाला जी और भाई जैता जी भी चल पड़े। रास्ते में जाते जाते गुरु तेग बहादुर जी ने बहुत लोगों की मदद करी, कई बोली बनवाई, और लोग और भी उनके साथ जुड़ने लगे। लोगों का इतना प्यार देख के औरंगजेब पागल होने लगा, और उसने गुरु तेग बहादुर जी और इनके साथियों को बंदी बना के लाने का ऑर्डर दिया। गुरु तेग बहादुर जी को आगरा से बंदी बना के दिल्ली तक लाया गया। दिल्ली लाने के बाद औरंगजेब ने अपने एक नवाब गुरु तेग बहादुर जी के पास भेजा। नवाब ने कहा कि अगर उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया तो उनको और उनके साथियों को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी के फेस पे डर का एक भी साइन नहीं था। ऐसा देख के औरंगजेब का दिमाग घूमने लगा, और उसने गुरु तेग बहादुर जी के साथियों को खत्म करने का ऑर्डर दिया। गुरु तेग बहादुर जी को डरा कर इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए औरंगजेब ने भाई मत्तीदास जी को गुरु तेग बहादुर जी की आंखों के सामने ही आरी से काट दिया। भाई मत्तीदास जी ने लास्ट ब्रेथ तक अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उसके बाद भाई दयाला जी को उबलते पानी में डाला गया। भाई दयाला जी भी अपने धर्म पर टिके रहे और हंसते हंसते शहादत को एक्सेप्ट किया, और फिर भाई सत्तीदास जी को रूही से लिपेट कर गुरु तेग बहादुर जी की आंखों के सामने ही जला दिया। भाई सत्तीदास जी ने मुस्कुराते मौत को गले से लगाया और बोले, जिंद जाए तो जाए, मेरा सिखी धर्म कभी ना जाए। इसके बाद औरंगजेब ने काजी बोरा को गुरु तेग बहादुर जी के पास भेजकर कलमा पढ़वाने को कहा। गुरु तेग बहादुर जी ने पोलाइटली कहा, धर्म त्याग करने से बेहतर तो मैं शहादत पालूं। ये सब सुनकर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम करने का ऑर्डर दिया, और 11th नवंबर 1675 को चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी को शहीदी मिली। चौक पर पड़े गुरु जी के शीश को भाई जैता जी बड़ी हिम्मत से एक कपड़े में लपेट कर अनंतपुर साहिब लेके आए। दिल्ली के एक व्यापारी लक्खी बंजारा जो गुरु जी के भक्त थे, वह गुरु जी की बॉडी को अपने विलेज रकाबगंज ले गए, और अपने घर में गुरु जी की बॉडी को रख कर पूरे घर को आग लगा दी, और गुरु तेग बहादुर जी का अंतिम संस्कार हुआ। I hope you guys like this video. If you are new to this channel, then please subscribe and hit the bell icon to get the instant notifications. See you guys in the next one.